रिया चक्रवर्ती ने खुद ही किए कई शॉकिंग खुलासे। ड्रग्स मामले में दिया बड़ा बयान। क्या वाकई सुशांत को ड्रग्स देने में रिया करती थी शोविक की मदद? सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की जांच अहम मोड़ पर है। ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी की पड़ताल जारी है। शोविक चक्रवर्ती के बाद अब रिया निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही दी है। एनसीबी के सामने भेजने के बाद रिया पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंची थी। वेल अब ड्रग मामले में खुद रिया ने ही सबसे बड़ा खुलासा किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने खुद ये कबूल किया है कि वो अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने में मदद कर रही थी। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा साबित हो सकता है। हालांकि एनसीबी ऑफिशियल्स ने इस मुद्दे पर रिया से और सवाल जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने अब तक ये कन्फेस नहीं किया है कि क्या वो खुद भी ड्रग्स कंज्यूम करती थी या नहीं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी की जांच सदस्य टीम रिया से अलग अलग एंगल पर बयान दर्ज करेगी। इसके बाद रिया का आमना सामना शोविक और सैमुअल मिरांडा से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सबूत मिले हैं कि कई हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स सप्लाई किए गए। अब टीम उनके और ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। रिया के भाई शोविक के गिरफ्तार होने पर और उन्हें रिमांड मिलने के बाद से ही कयास तेज हो गए हैं कि रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी ने रिया का नाम अपने बयान में लिया है। वही आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने बिहार पुलिस के साथ साथ सीबीआई, ईडी और एनसीबी के किसी भी मामले में अग्रिम जमानत के लिए किसी अदालत से संपर्क नहीं किया है। वेल, ये मामला पहले से ज्यादा सीरियस होते जा रहा है। अब देखना ये होगा कि और क्या नए डिटेल सामने आएंगे और क्या रिया होगी गिरफ्तार। आप हमें बताएं इस वीडियो पर आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।